नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम आज कंडक्ट हुआ है, उसकी तीनों शिफ्टों के स्टूडेंट से मैं पर्सनली जाकर मिला हूं और उन्होंने जो फीडबैक दिया है उसके बेसिस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर आपका आगे आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है। तो उन सब चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ध्यान से एक एक चीज़ को समझना, हो सकता है कोई एक छोटी सी बात भी आपको थोड़ी सी फ़ायदा दिला जाए। तो देख लेते हैं कि हम लोग क्या करेंगे। आज के तीनों शिफ्टों का जो एग्ज़ाम हुआ है उसको एनालिसिस करेंगे, आपको कल क्या करना है इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे और सारी जो ज़रूरी बातें उनको समझ के जाएंगे कि पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करें या पहले बाद में कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करें, इन सब चीज़ों को देखेंगे, ठीक है, जो कि हमें आज के जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ उसके बेसिस पर पता चलेंगे। सबसे पहली बात कि आप एक वैलिड आईडी प्रूफ लेकर जाएंगे। बहुत सारे सेंटर्स पर ऐसा हुआ है कि जो ई आधार कार्ड लेकर आए थे, जो ऑनलाइन आप लोग आधार कार्ड डाउनलोड करके ले जाते हैं या जिसको कहते हैं फोटो कॉपी वाला आधार कार्ड, उसको वहाँ पर वैलिड नहीं माना जा रहा है, ठीक है। काफ़ी सेंटर्स में स्टूडेंट दूर दूर से जो एग्ज़ाम देने आए थे उनको वहाँ पर एग्ज़ाम नहीं देने दिया, और ये चीज़ के लिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट है डिपार्टमेंट, मतलब आपकी रिक्वेस्ट करने पर आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। मतलब जो अब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे इतनी स्ट्रिक्टनेस है कि आपके पास में छोटा सा डॉक्यूमेंट अगर मिसिंग है आईडी का, तो आप ये मान के चलिए कि आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, चाहे आप कितनी भी दूर से क्यों ना आए हों, ठीक। ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर जाएंगे, अगर आधार कार्ड आप लेकर जाते हैं, अदरवाइज कोई और आईडी प्रूफ जो कि एडमिट कार्ड में वैलिड आईडी प्रूफ के अंदर आता है वो लेकर जाएंगे, नहीं तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो ये ज़रूरी बात आप सीरियस लेकर इसको मानेंगे, बाकी और चीज़ें समझते हैं। आप देखते हैं कि देखिए आज के पेपर के बेसिस पर ये तो समझ में आ गया कि अब ल्यूसेंट का ज़माना नहीं रहा। वन लाइनर ल्यूसेंट जो अभी तक हम लोग रटते रहे हैं, जो अभी तक समझते रहे हैं, अब उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। हर एग्ज़ाम का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है और इस बार आप देखेंगे कि एग्ज़ाम का लेवल इतना बढ़ चुका है, इतना अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि ल्यूसेंट से जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं पूछे जा रहे हैं। जिसने डीप लेवल में चीज़ों को पढ़ा है, चीज़ों को समझा है, वही एग्ज़ाम में अच्छे से कर पा रहे हैं, अदरवाइज सारे लोग का पेपर नॉर्मल ही हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मतलब एनालिसिस वाले क्वेश्चन, जैसे कि आपने देखा होगा पीसीएस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, सीडीएस में जो आते हैं, यूपीएससी के छोटे वाले क्वेश्चंस, बड़े वाले क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूँ, यूपीएससी के छोटे क्वेश्चंस और पीसीएस लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के जीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि अच्छे से जिस लोगों ने पढ़ा होगा उनका ही कुछ हो सकता है, अच्छे से पढ़ने वाले लोगों को ही आगे मौका मिलेगा आज के पेपर के हिसाब से। तो आज का जो एग्ज़ाम तीनों शिफ्टों में हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो तीनों शिफ्टों का फीडबैक मुझे मिला है, उसके बेसिस पर मैं आपको बताता हूँ। जो पहली शिफ्ट का जब एग्ज़ाम हुआ था मॉर्निंग में, इसमें पेपर थोड़ा आसान लेवल का पूछा गया था, मतलब सारी चीज़ें नॉर्मल थी, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं थी, नॉर्मल था। मैथ थोड़ा लेंदी था, रीजनिंग आसान थी, जीएस वाला थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था, लेकिन मूल विधि और हिंदी ये दोनों आसान थे। थर्ड शिफ्ट का पेपर भी थोड़ा सा ठीक ठाक था, मतलब बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं था और बहुत ज़्यादा सरल भी नहीं था। लेकिन जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है आज की डेट में, वो थोड़ा सा दोनों के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा टफ है। सेकेंड शिफ्ट वाला पेपर टफ था क्योंकि स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि रीजनिंग भी बैंक वाली पूछी गई थी सेकेंड शिफ्ट में, जो कि टफ थी, और मैथ जो पूछी गई थी वो लेंथी वाले क्वेश्चंस पूछ रहा था जो आसानी से सॉल्व नहीं हो रहे थे, और इसमें क्या कहते हैं आपके जो पॉलिटी वाले क्वेश्चंस थे, कॉन्स्टिट्यूशन वाले, वो भी थोड़े अच्छे लेवल के पूछे गए थे, टफ थे वो भी। जीके वाला पोर्शन भी काफ़ी टफ पूछा गया था, करंट अफेयर्स आपकी पुरानी पूछी गई थी, मतलब हाल फिलहाल की नहीं, लगभग 8-9 महीने पुरानी करंट अफेयर्स भी उन्होंने पूछ ली थी, और जो कि आसान नहीं था। तो जिन लोगों का एग्ज़ाम सेकेंड शिफ्ट में था वो लोग थोड़ा परेशान थे, और ये मानकर चलिए कि जैसे जैसे एग्ज़ाम और दिन बढ़ेंगे आपको कहीं ना कहीं एक पेपर का लेवल जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा ही, इसमें कोई वो परेशानी वाली बात नहीं है। अब सेक्शन वाइज बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स का पेपर, तीनों शिफ्टों की बात करूँ मैं, तीनों शिफ्टों में मैथ का पेपर
लेंदी क्वेश्चंस आ रहे हैं, आसान क्वेश्चन अब आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे, लेंदी क्वेश्चंस होंगे, और उसमें आपको टाइम टेकिंग प्रॉब्लम्स होंगे, टाइम देना पड़ेगा। यानी कि जिन लोगों ने मैथ्स से पेपर करना शुरू किया था वो बाहर निकलकर परेशान हो रहे थे, क्योंकि उनका ज़्यादातर टाइम मैथ में चला गया, तो उनको मूल विधि और हिंदी जो आती थी वो भी वो लोग सॉल्व नहीं कर पाए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जाते ही मैथ से शुरुआत मत करना, मेरी मानिए तो मैथ को लास्ट में अटेम्प्ट करना, क्योंकि मैथ में लेंदी क्वेश्चंस हैं, और शुरुआत में अगर आप मैथ अटेम्प्ट करोगे तो आप वहाँ पर डिमोटिवेटेड हो जाओगे, और एक बार आप एग्ज़ाम देते समय डिमोटिवेट हो गए तो आती हुई चीज़ भी सॉल्व नहीं हो पाती है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये ध्यान देना है। दूसरी चीज़ कि मैथ में ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और एक दो नहीं, 4 से 5 क्वेश्चन ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से आ रहे हैं। आपका घन, घनाभ, त्रिभुज और शंकु, बेलन, ये सारे क्वेश्चंस आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, और प्रोबेबिलिटी से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये टॉपिक ऐसे हैं, मतलब इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि आप नॉर्मल सारी चीज़ें पढ़ चुके होंगे, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीज़ें कर ली होंगी आपने। अगर ये टॉपिक आपने नहीं पढ़े हैं तो आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं, ये सारे टॉपिक भी पूछे जा रहे हैं, और इन टॉपिकों का इंक्लूड होने का मतलब है कि पेपर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो रही मैथ्स की बात। मैथ में मैंने क्या पॉइंट बताया कि शुरुआत मैथ से मत करना, लास्ट में करना मैथ्स, और वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं पूरे पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे, मतलब कुछ ऐसा कर दिया जाए कि कम से कम कट ऑफ तो क्वालिफाई हो जाए, या कुछ पूरे पेपर में कुछ ऐसा, क्योंकि आज के पेपर के हिसाब से कुछ चीज़ें ऐसी पता चली हैं कि अगर वो कर लेते तो शायद कुछ अच्छा हो जाता, इस टाइप से कुछ फीलिंग आ रही है। अब बात करते हैं हम लोग रीजनिंग की। तो रीजनिंग में सबसे पहले, जब पहली शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था तो रीजनिंग आसान पूछी गई थी, मतलब उसमें बैंक वाले रीजनिंग के क्वेश्चंस नहीं थे, मशीन इनपुट आउटपुट और ये सब कुछ नहीं पूछा गया था, एसएससी वाले क्वेश्चंस थे उसमें, यानी कि आसान थी रीजनिंग, करने लायक थी, और जो बैंक वाले क्वेश्चन पूछे भी गए थे वो भी आसान थे, मतलब वो भी आसानी से हो जा रहे थे, तो ऐसा लगा कि शायद बैंक वाली रीजनिंग ना पूछी जाए। लेकिन सेकेंड शिफ्ट में रीजनिंग का पेपर टफ हो गया। सेकेंड शिफ्ट में आपका बिल्कुल बैंक वाली जो रीजनिंग होती है उसकी शुरुआत हो गई, मशीन इनपुट के क्वेश्चंस आए, पजल्स आई, दो इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस आए, मतलब हर हाल में किसी न किसी से शिफ्ट में आपको पेपर टफ मिलना ही है, और कोई भी ऐसा टॉपिक बचेगा नहीं जो ना पूछा जाए, क्योंकि 10 दिन अगर एग्जाम चलेगा 3 शिफ्टों में, तो आप ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि कोई टॉपिक आप छोड़ के जा सकते हैं। टॉपिक तो आपको सारे पढ़ने हैं और सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि 10 दिन 3 शिफ्ट कोई टॉपिक नहीं बचेगा। ठीक है, और पेपर नॉर्मली ये चीज़ देखी गई है, बैंक और एसएससी वाली दोनों वाली रीजनिंग पूछी गई है, दोनों का मिक्स है, जो टॉपिक जैसे डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ये एसएससी में भी आता है और बैंक में भी आता है, तो दोनों चीज़ों, दोनों कुछ क्वेश्चंस बैंक वाले थे, कुछ रीजनिंग वाले थे, कुल मिला के मिला जुला पेपर था। बस एक चीज़ नहीं देखने को कि जो फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं वो इस बार थोड़ा ज़्यादा देखने को मिले हैं, 3 से 4 क्वेश्चन फिगर वाले, जिसमें मिरर इमेज बनाना होता है, इनकम्प्लीट फिगर होता है उसको कंप्लीट करना होता है, 4 फिगर दे दिए, 5वां आपको बताना होता है, तो इस टाइप से उसका एनालिसिस रहा। तो एक एक चीज़ को समझते चलिए। अब बात कर लेते हैं मूल विधि और कॉन्स्टिट्यूशन की। तो मूल विधि और कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ क्या था, पिछली बार जब एग्ज़ाम हुआ था तो सीधे सीधे क्वेश्चंस आ रहे थे कि मूल विधि की आईपीसी धारा इसमें क्या होता है, आईपीसी धारा नंबर इसमें क्या होता है, आईपीसी धारा इसमें, डायरेक्ट क्वेश्चन थे। अनुच्छेद इसमें क्या होता है, अनुच्छेद ये कितना होता है, अनुच्छेद वो कितना, मतलब वन लाइनर क्वेश्चन थे, मतलब अगर किसी ने लूसेंट भी अच्छे से पढ़ रखी है तो वो कर ले जा रहा था। लेकिन इस बार वो वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछे गए, साफ साफ मैं आपको बता दूं, क्वेश्चंस जो हैं इसमें मूल विधि तो आपसे पूछा ही नहीं गया है, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन मूल विधि पर ज़्यादा आप ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मूल विधि ज़्यादा नहीं पूछी गई है, 1 से 2 क्वेश्चन, हो सकता है आगे आने वाली दिनों में पूछ भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आज के दिन मूल विधि नहीं पूछी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में भी बड़े लॉजिकल और बड़े बड़े क्वेश्चन थे, जैसे कि आपने पीसीएस लेवल पे देखा हो, पीसीएस लेवल में जो अच्छे क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ वैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। मूल विधि तो आपका नाम मात्र का पूछा गया था,
कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे थे, वन लाइनर प्रश्न नहीं पूछे जा रहे थे, यानी कि जो आप ल्यूसेंट रट रहे थे अभी तक वो काम नहीं आएगी, क्योंकि मैंने देखा एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर भी स्टूडेंट्स बस ल्यूसेंट को पढ़ रहे थे, ल्यूसेंट से आप उतना आपको फायदा नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं, जो पेपर में जीके वाला सेक्शन था वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे यूपी पीसीएस का आप एग्ज़ाम देते हैं, उसमें बड़े वाले क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसमें ऑप्शन 1 2 3 या 1 2 2 3 इस टाइप से, वो वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं जिनका ऑप्शन एक ही सही होता है वो वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे पीसीएस लेवल वाले। यूपीएससी के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पर सीधे पूछे, सीडीएस वाले। इन तीनों एग्जामों से मैंने क्वेश्चन मैच कराए हैं, तो इन तीनों एग्जामों से वो क्वेश्चंस मैच हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि इन वो क्वेश्चंस इन एग्जामों से लिए गए हैं, तो यहाँ से ये एग्जाम के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब जैसे कि ये देखो लूसेंट की बुक है, ठीक है, इसमें वन लाइनर कोई क्वेश्चन दिया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन, ये डायरेक्ट फैक्ट बेसिस क्वेश्चन तो नहीं, आपको फैक्ट अगर पता है तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, तो ये सब अब नहीं पूछा, अभी तक ये पूछा जा रहा था लेकिन अब नहीं पूछा जाएगा। अब देखो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन पूछा कैसे जा रहा है, मैं आपको केवल एक फॉर्मेट बता रहा हूँ। देखो ये देखो पीसीएस लेवल के क्वेश्चन हैं, अब इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन, मतलब एक ये देखिए, विच वन वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर बिटवीन द प्रेशर ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, मतलब चीज़ें जिसने बुक से सारी थियोरेटिकल वे में चीज़ों को समझा है वही इस चीज़ के आंसर कर पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझने वाले और कॉन्सेप्चुअल, जिसने बुक से थ्योरी वाली चीज़ें पढ़ी हैं उनका पेपर अच्छा हुआ होगा, जिन्होंने फैक्ट फैक्ट याद किए हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी, तभी 90% लोग यही बोल रहे थे कि पेपर अजीब सा आया, अजीब सा, अजीब सा का मतलब होता है कि आपने पढ़ के गए थे वन लाइनर फैक्ट्स पर बेसिस क्वेश्चन और क्वेश्चन बन गए थ्योरेटिकल, तो ये डिफरेंस आज के पेपर में रहा, ठीक है। ओवरऑल पेपर आपके मतलब यूपीएसआई के हिसाब से टफ था। अब मैं वो बात बताता हूँ जिससे आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। अब पेपर अटेम्प्ट कैसे करिएगा, देखो मेन ये रहेगा कि पेपर कितना भी टफ आ जाए उसमें कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके बेसिस पर आप कट ऑफ निकाल सकते हैं, ठीक, थोड़ी प्लानिंग से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, और अगर पहले दिन आपका एग्जाम नहीं था आगे आने वाले दिनों में, यानी कि आपको फायदा कैसे मिलेगा वो समझिए। करना क्या है, आप शुरुआत से पेपर करना स्टार्ट करिए, मैथ से आपको स्टार्ट नहीं करना है, आप या तो जीके या तो हिंदी से शुरुआत करना, जिसमें बस क्वेश्चन पढ़ना और टिक करना होता है, उसमें टाइम कंजम्पशन नहीं करना पड़ता है। आपने हिंदी और रीजनिंग से मान लो पेपर करना स्टार्ट किया, ठीक, आप पेपर करते जाइए, किसी भी क्वेश्चन पर आपको रुकना नहीं है, आप एक तरफ से शुरू करिए, मान लीजिए आपने 40 क्वेश्चन में से करते गए जो नहीं आया उसको तुरंत छोड़ दिया, उसको दोबारा सोचना नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन करते, तो हो सक 40 में मान लो 15 क्वेश्चन हो गए, तुरंत आ जाइए हिंदी के बाद में जीके में, उसमें भी 40 क्वेश्चन तक जैसे कर मान लो 15 क्वेश्चन हो गए, इसी तरीके से फिर आ जाओ रीजनिंग पे, उसमें 40 क्वेश्चन तक गए तो 15 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, मैथ में गए तो 15 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो आसान आसान जो थोड़ा सा भी टफ लग रहा है ना उसको छोड़ते जाओ, और बस पूरा शुरुआत से लेके आखिरी तक पूरा पेपर अटेम्प्ट कर जाओ, तो ये होगा कि कम से कम आपने पूरे पेपर में 15 15 15 चारों सेक्शन में आसान आसान क्वेश्चन कर लिए होंगे। फिर उसके बाद में दूसरा राउंड लगाऊं, दूसरे राउंड में आप क्या होगा, पहले राउंड में आपने क्वेश्चन कर लिए आपको कॉन्फिडेंस फील होगा, और दूसरे राउंड में फिर से आप दो सारे पेपर में जो जो चीज़ें थोड़ी थोड़ी टफ लग रही थी उनको करते हुए जाइए, इस तरीके से पेपर करोगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी रहेगा और करने में थोड़ी आसानी भी होगी। पेपर में क्या हो रहा है कि जो पेपर में जैसे मान लो 40 क्वेश्चन है हिंदी में, मैथ की बात करते हैं, मान लो 40 क्वेश्चन है तो 40 में 40 टफ थोड़ी नहीं है, 15 क्वेश्चन आपके सिंपल होंगे, 10 क्वेश्चन आपके मॉडरेट होंगे और बचे हुए क्वेश्चन टफ होंगे। अब होगा क्या कि पेपर जब आप करोगे तो हो सकता है वो जो टफ वाले क्वेश्चन थे 15 20 वो आपके आगे सेट में रख दिए गए, अब आप करना स्टार्ट करोगे सारे टफ क्वेश्चन मिलेंगे, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, तो आपको वो सिंपल वाले क्वेश्चन 15 ढूंढने हैं जो उस पूरे पेपर में छिपे हुए हैं, तो उन आसान क्वेश्चन को पहले करना है, फिर मॉडरेट लेवल वाले के, और टफ को तो छोड़ देना है, थोड़ा बहुत समय मिले तो उसको भी कर देना है, इस हिसाब से करना है आपको, ठीक है। घबराना नहीं है, पेपर करना स्टार्ट करना, देखते जाओ जो चीज़ नहीं आ रही है बिना घबराए आगे बढ़ते जाओ, कुछ ना कुछ तो होगा जो आपको आएगा, और इस तरीके से करते जाओगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा।
तो अगर आपको मेरी बताई हुई बातें अच्छी लगी हो, सही लगा हो सब कुछ, तो वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के बीच में, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, सो दैट मैं आपके लिए और भी स्ट्रेटजी लाता रहूँ कि कैसे आपको पेपर करना है सॉल्व। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।